सर्जरी किस लिए की गई? मतलब पहली बार वो मैं आपको बोल कतल या आज तक 6 कतल उसने किया, उसको गिरफ्तार कीजिए। जब पेशेंट को खून की जरूरत थी तो कौन सा खून? एबी पॉजिटिव। वो असमत खांडे और नेगेटिव ब्लड क्यों मांग रही थी? नेगेटिव ब्लड किसी ने नहीं मांगा है। जिस तरीके से रमजाना हॉस्पिटल और यहाँ की डॉक्टर साहिबा असमा खांडे पे जो है एलिगेशन लगाई जा रही है कि उनकी लापरवाही की वजह से जो है शाफिया नाम की एक लड़की जो कि 26 सालाना लड़की यहाँ पे एडमिट की गई थी क्योंकि उसका बच्चा जो है उसको अबॉर्ट करना था क्योंकि वो बच्चा जो था वो सही नहीं था, वो उसका मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सही नहीं आया था अबॉर्शन करने के बाद। उसकी फैमिली के मुताबिक उसको इलीगली तौर पे यानी कि फैमिली को बिना पूछे और बिना बताए जो है उसकी सर्जरी की गई है, तो वो एलिगेशंस लगा रही है उनकी फैमिली। तो इसी सब पे बात करने के लिए हम इस वक्त मौजूद है रमजाना हॉस्पिटल में। जैसे कि हमने इससे पहले भी आपको जिक्र किया, इससे पहले भी हमने इस बात का जिक्र किया कि जो रमजाना हॉस्पिटल है उनको हमने कॉल किया था लेकिन उन्होंने हमारे कॉल का जो है जवाब नहीं दिया, तो हम मजबूरन होके जो है रमजाना हॉस्पिटल आए। और रमजाना हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद है हमारे साथ सर्जरी के वक्त मौजूद थे, इनसे हम बात करते देखते कि क्या कुछ कहते हैं, क्या ये एलिगेशन जो उनकी फैमिली ने उन पर लगाई है क्या वो सही है या गलत। आपने जो सर्जरी है वो उनके बिना इलीगली तौर पे सर्जरी किया, उनके पेरेंट्स को नहीं आपने बताया है कि इज इट पॉसिबल? ये कोई मतलब सड़क से हमने लाया था, खुदा ना खास्ता। सुहेल खांडे रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? इसी पेशेंट के साथ थे ना, वो तो कल शाम से ही। तो असमत खांडे सुहेल का डॉक्टर सुहेल साहब एनेस्थेटिस्ट है ना, इसके दो बार एनेस्थीसिया देने के बाद ब्रेन डैमेज हो गया है पेशेंट। कैसे आप कैसे कह सकते हैं? वो तो हम खुद नहीं कहते, हमने पेशेंट को नहीं देखा, हम जो है हम बात कर रहे हैं जो उसके पेरेंट्स ने स्टेटमेंट दिया। That doesn't mean कि वो प्रूव हो रहा है या वो जो कह रहे हैं वो सही बात है। हम कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं वो सही हो सकता है। No ma'am, I'm not telling that thing कि वो हम जो कह रहे हैं वो सही है। आप factual के पेशेंट के पेरेंट्स को जो है डेड बॉडी थी शाफिया की, इसके पेरेंट्स जो है उनको स्किम्स के डॉक्टर्स ने बोला है कि ये जो है डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से। Something in writing, I want to see that. If that is really, अगर कुछ है राइटिंग में, क्योंकि डॉक्टर तो ऐसे नहीं बोलेगा ना। अगर देखिए ये तो कहा सुनी बात है जी, हमने ऐसा कहा किसी ने ऐसा ना। अगर खांडे पे लगातार जो है केसेस लगाए जा रहे हैं, इससे पहले भी थीत का केस जो था जहाँ पे असमत खांडे पे एलिगेशंस लगाई गई कि इसने जो है सही से सर्जरी नहीं की थी, जिसपे देखिए मैम एलिगेशंस लगाना छोटी बात है, बट प्रूव कहीं पे आपको ये है। आप मुझे बोल रहे जी अटेंडेंट्स बोल रहे कि उसको जी दो बार एनेस्थीसिया देने से ब्रेन डैमेज हो गया, ये उसके अटेंड, ये आप ही बोल रहे ना कि डिस्क्रिप्शंस पे ऊपर पोस्टमार्टम लिखा गया। पोस्टमार्टम मतलब उनके फैमिली के हिसाब से जो है उनके नंद बोल रही है कि जो प्रेस्क्रिप्शंस है उसके ऊपर बाजाबता लिखा गया था कि पेशेंट का जो है पोस्टमार्टम किया गया। नो आई एम नॉट गेटिंग दैट पोस्टमार्टम तो ऐसे नहीं किसी का राह चलते। फॉर दैट यू नीड प्रॉपर टीम, फॉर दैट यू नीड प्लीज फॉर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट। सर्जरी किस लिए की गई? किसकी? इसी पे। हाँ क्यों की गई? मतलब पहली बार वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका बच्चा तो नॉर्मल डिलीवरी के तो नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी, तो डॉक्टर असमत ने ऑपरेट नहीं किया इसको, उसके लिए सर्जरी किसने की? डॉक्टर जफर ने। ऊपर से नीचे तक काट के था तो सर्जरी नहीं, ऊपर से नीचे तक नहीं, उसका एब्डोमेन था। आपने पेशेंट देखा है? वो पेरेंट्स के एलिगेशन है, हमने आपको इससे पहले भी जिक्र किया, हमने कुछ नहीं देखा है, हम जो बोल रहे हैं वो फैमिली के स्टेटमेंट के मुताबिक बोल रहे हैं। तो फैमिली के स्टेटमेंट वो कहीं पे प्रूव है? आप लोग बोल रहे हैं कि उनको सिकिम्स में बोला है कि इसको दो बार एनेस्थीसिया देने से ब्रेन डैमेज। आई विश या मैं आप ही से कह रहा हूँ, अगर कुछ राइटिंग में दिया है सिकिम्स, आई वॉन्ट टू सी दैट, हम वो खुद देखना चाहेंगे। खांडे किधर है? असमत भाभी तो उसी पेशेंट के साथ गई थी सोरा, वो तीनों डॉक्टर्स हमारे गए हैं, डॉक्टर जफर, डॉक्टर सुहेल, डॉक्टर तब से वो नहीं आए वहाँ से, वो तो इस टाइम तक वहीं पर है। पेशेंट को कौन सा खून जरूरत था? जब पेशेंट को खून की जरूरत थी तो कौन सा खून? ए बी पॉजिटिव। तो असमत खांडे और नेगेटिव ब्लड क्यों मांग रही थी? ओ नेगेटिव ब्लड किसी ने नहीं मांगा है। फैमिली तो बोल रही है कि पेशेंट असमत खांडे ओ नेगेटिव ब्लड। मैम दिस इज मेडिकल टर्मिनोलॉजी, यू आर टेलिंग मी दैट थिंग। इस पेशेंट ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, राइट? इसको आप क्रॉस मैच कोई भी डोनर कर लो,
हमें वो देखना है, आइडियली इसको सारे ग्रुप हम दे सकते हैं ए बी पॉजिटिव को, दैट इज़ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। पेशेंट क्या कह रहा है, कभी आप मुझे बोल रहे हो जी पेशेंट ने मुझे ऐसा कहा, कभी सिक्किम्स वालों ने ऐसा लिखे, अगर कहीं पे है हम वो देखना चाहते हैं। बाकी वो बोल रहे ओ नेगेटिव, पहले डॉक्टर असमत कैसे बोलेगी ओ मुझे ब्लड दे दो ये ग्रुप, क्योंकि वो तो लैब का काम है। फैमिली का स्टेटमेंट और रमजाना हॉस्पिटल के डॉक्टर का स्टेटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल मैच कहीं भी किसी भी तरीके से नहीं हो रहा। आप देखने वाली बात ये रहेगी कि अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन इसको किस तरीके से देगी, क्या इस केस को आगे तक लिया जा सकता है या नहीं। अगर शाफिया भट्ट का मर्डर हुआ है, यानी कि उसको जो है डॉक्टर्स की इग्नोरेंस की वजह से उसकी डेथ हो गई है, क्या रमजाना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो इसमें मुलवस थे, क्या उनको सज़ा मिलती है या नहीं। आगे भी आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे। दीजिए इजाज़त, मैं जरका शफी कैमरा पर्सन मुफीद हिलाल के साथ।